हेलो गाइस, फूड फॉर फूडीज में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं पनीर फ्राइड राइस। और ये बहुत ही इजी है, टेस्टी बनते हैं और इनका कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। इसमें तेल गरम किया है मैंने 2 बड़े चम्मच, और डाला है अदरक और लहसुन, कद्दूकस किया हुआ अदरक लहसुन है। और इसे हमें कॉन्टिन्यूस चलाते रहना है, अदरवाइज ये चिपकने लगता है। और जैसे ही थोड़ा सा भुन जाएगा, हम इसमें डाल देंगे प्याज और शिमला मिर्च, इसको हमने बारीक काटा हुआ है। इन दोनों का कुकिंग टाइम सेम होता है, तो आप इसे साथ में डाल सकते हैं। और अब हम डालेंगे गाजर और बीन्स। गाजर और बीन्स को भी हमें बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। आप चाहें तो गाजर को कद्दूकस भी कर सकते हैं। और इन्हें हम हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे, चलाते हुए पकाएंगे ताकि सब्जियों का क्रंच बना रहे। और अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1/2 चम्मच देगी मिर्च। ये सिर्फ कलर के लिए डाली जाती है, बिल्कुल तीखी नहीं होती। आप रेगुलर मिर्च इस क्वांटिटी में मत डालिएगा। ये देखिए, जैसे हम इसे मिलाएंगे बहुत ही बढ़िया सा कलर आ जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सिरका, 1/2 चम्मच सोया सॉस। अगर हम देगी मिर्च नहीं डालते हैं तब सोया सॉस हम बढ़ा सकते हैं। और 1 चम्मच चिली सॉस अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे 2 चम्मच पानी के साथ में, ताकि जो हमारी सॉसेस हैं वो जले नहीं। ये देखिए, इसे चलाते रहेंगे क्योंकि ये कुकिंग जो करनी है हमें वो हाई फ्लेम पे करनी है। डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और नमक। नमक यहाँ भी मैंने चावल के हिसाब से भी डाला है। आप इस रेसिपी में लेफ्ट ओवर राइस भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे मसाले का बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। और अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। यहाँ पे ये घर का पनीर है, मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा सा पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हैं, अदरवाइज ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो हमारा मसाला रेडी हुआ है वो अच्छे से पनीर को कोट कर ले। और यहाँ पे हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे। फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल मीठा नहीं करेगा ये। ये सिर्फ जो सॉसेस हमने डाली थी उन्हें बैलेंस करने के लिए है। जब भी हम सिरका इस्तेमाल करते हैं उसके साथ में हमें उतनी ही चीनी डाल देनी चाहिए, उससे वो बैलेंस हो जाता है। और अब हम यहाँ पे डालेंगे पका हुआ चावल। ये फुली कुक्ड राइस है। अगर आप चावल फ्रेश यूज कर रहे हैं तो आप इन्हें थोड़ी देर पहले बना के रख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने थोड़ी सी देर पहले बना के रख लिया था, चावल ठंडे हो गए हैं। इससे क्या होता है, जब हम फ्राइड राइस बनाते समय चावल को मिक्स करते हैं तो वो टूटता नहीं है। अगर आप बिल्कुल गर्म गर्म चावल कढ़ाई में डालेंगे तो वो टूटने लगेंगे। देखिए, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा फ्राइड राइस ऑलमोस्ट बनके रेडी हो गया है। बस 2 मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे ऐसे ही, और अब इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अगर आपके पास में स्प्रिंग अनियंस हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। आई होप ये शॉर्ट रेसिपी आपको पसंद आई होगी। सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।